हैप्पी बोरिंग डे भाई बोरिंग डे होने वाला है गाइस आज आज पूरे दिन अपडेट पर रहेगा गेम सुबह साढ़े नौ से शाम को पाँच बजे तक मतलब शाम वाला टाइम आधे घंटे ऊपर नीचे हो सकता है गाइस ठीक है तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरी आईडी को क्या हुआ मेरी आईडी क्यों नहीं खुल रही है गेम क्यों नहीं खुल रहा है क्या मैं बैन हो गया हूँ तो बिल्कुल मत सोचो गाइस क्योंकि आज मेंटेनेंस का डे है ओ बी ट्वेंटी सिक्स अपडेट आने वाली है मतलब पूरा गेम गाइज आपका चेंज हो जाएगा ओके भाई लोग तो

जो पावर्स कम की गई है और बढ़ाई गई है कौन कौन सी गन है जिनको मजबूत किया गया है और कौन सी गन है जिनको थोड़ा कमज़ोर कर दिया गया है तो so भाई लोग अभी आप ध्यान से देख लो जो कि अपनी ग्रोजा है यू एम पी है एम टेन फोर्टीन है एम टू फोर नाइन है इनकी पावर को और बढ़ा दिया गया है मतलब यार बढ़ाना चाहिए था क्योंकि ये ऐसी गन है इनको कोई उठाता नहीं है यार पता नहीं क्यों एम बहुत कम उठाते हैं अभी उसके 87 लेते हैं और आप देखोगे 87 की पावर कम कर दी गई है साथ में वेक्टर वुड पेकर पैराफल और एस मतलब ड्रैगन हो इनकी पावर को डिक्रीज कर दिया गया है तो आप बताना आप इस अपडेट से खुश हो या नहीं बट एक बात है यार आप अपडेट पे अपडेट पे देख रहे हो कि 87 को कमजोरी किए जा रहे हैं भाई साहब स्टार्टिंग में आई थी तो कितना लॉन्ग रेंज मारती थी और कम किया और कम किया इस अपडेट और रेंज कम कर दी है वहां पे लिख भी जाता देख लेना क्या, क्या क्या कम ज्यादा किया है ओके गाइस अभी आते हैं हम जल्दी से नेक्स्ट वाली अपडेट पे जो की अपने करेक्टर से रिलेटेड गायज अपने गेम में एक न्यू करैक्टर आने वाला है जो कि एडवांस रैडर मिस्ट्री करेक्टर के नाम से था और यहाँ पे उसको नाम दिया जाएगा शायद से स्काइलर अभी पता नहीं गाइस नाम चेंज भी हो सकता है उसकी एबिलिटी आपको पता ही है वॉल तोड़ेगा गाइस एक सोनिक वेव छोड़ेगा जो कि ग्लू वॉल को आर पार करती हुई जाएगी तीन ग्लू वॉल और भाई लोग एडवांस सर्वर में दिखने को मिला था ये अपने जो क्रोनो की शील्ड है उसको भी तोड़ रहा है और हाँ गाइस एक और बात सुनाई में आ रही है भाई साहब क्रोनो की एबिलिटी चेंज कर रहे हैं अभी भाई लोग देखना पड़ेगा बात में कितनी सच्चाई है क्या सच में क्रोनो की पावर को थोड़ा कम किया जाएगा देखेंगे गाइस अपडेट के बाद ओके भाई लोग अभी नेक्स्ट वाली अपडेट निकल के आ रही है अपने एक और न्यू करेक्टर से जिसका नाम होने वाला है शेरो एंड गाइस शेरो आपको कुछ ऐसा देखने का मिलेगा एंड साथ में आपको मैं बता दूं इसकी जो पावर है वो ऐसी है कुछ जब आपको एनिमी हिट करेगा तो जो वो एनिमी हिट कर रहा है ना अगर वो कुछ डिस्टेंस में आपकी रेंज में है जितना इसकी रेंज है पचास मीटर चालीस मीटर तो उस पर एक पॉइंट आ जाएगा पता लग जाएगा कि यहाँ से फायर कर रहा है मतलब मोको का उल्टा अभी आप मोको को मारते हो तो एनिमी पे जैसी लगती है गोली उस पर मार आता है लेकिन अभी का इस सिरों से एनिमी आपको मारेगा तो एनिमी पे मार्क आ जाएगा समझ गए और भाई लोग ये सारी अपडेट आपको एक साथ से गेम में नहीं दिख जाएंगी कुछ कुछ करके दिखेंगी ठीक है जैसे टॉपो इवेंट में हर वीक पे आता है ओके तो आपको ये अपडेट अगले वाले एक दो महीने में दिखने वाली है कुछ पहले आ जाएंगी फिर हल्के कुछ दिन बाद आएंगी फिर सात आठ दस हजार कुछ आएगा ओके भाई लोग तो ऐसी नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही न्यू पेट, आपको न्यू पेट देखने को मिलेगा जिसका नाम है ड्रेकी जो कि एक होने वाला ड्रैगन, ओके ये जो भी एनिमी आपकी रेंज में होगा 40 मीटर 50 मीटर की रेंज में वो मेडिकेट यूज करेगा तो उसको एक्सपोज कर देगा ये सिंपल सी मैंने आपको अभी हिंट दे दिया आप वीडियो देख लेना पूरी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है अभी चलते हम नेक्स्ट वाली अपडेट पे अपडेट के बाद गाय आपको ट्रेनिंग ग्राउंड का एक नया रूप देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको एक झूला मिलेगा भाई साहब बहुत बड़ा झूला जिससे आप पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड का मजा उठा सकते हो ओके okay गाइस कुछ इस तरह से एंड काफी मस्त ग्राफिक्स करती है अभी अपडेट के बाद आप खेल के देखना मजा आ जाएगा गाइस अपडेट के बाद गाइस आपको एक न्यू गन देखने को मिलेगी जिसका नाम है मैग सेवन इस गन का गेम प्ले मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ मेन चैनल पे भी डाला था एंड यूजी जी एम्पायर पर भी डाला था और एक थोड़ी सी आप हाईलाइट यहाँ पे भी देख लो गाइस काफी ओपी गन होने वाली है और आपको पता ही है इस गन की वजह से ही 87 को थोड़ा कमजोर किया जा रहा है और रेक्टर को भी कमजोर किया जा रहा है क्योंकि लोग अभी इसको उठाए समझ रहे हो ना आप गरेना का दिमाग <laughs> ओके भाई लोग तो आपको तो एक गन नहीं देखने को मिलेगी अभी चलते हम अपनी नेक्स्ट वाली अपडेट में जो कि निकल के आ रही है अपने ट्रेनिंग ग्राउंड से गाइस आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में एक मोड देखने को मिल जाएगा इसका नाम है टी ट्वेंटी फाइव ग्लू वॉल करके आपको पच्चीस ग्लू वॉल मिलेंगी और आपके आसपास बहुत सारे ये ट्रैट लगा दिए जाएंगे मतलब तोप खड़ी कर दी जाएंगी और ये इधर उधर अपीयर होती रहेंगी आपको ग्लू वॉल लगा ला के बचना है और आपको बीच के ये जो स्कोर है ना ये जो बीच का चौकर चौकर है इसी में खड़ा रहना बाहर निकलोगे तो आपको डैमेज पड़ेगी ओके तो काफ़ी बढ़िया मोड होने वाला है इससे आपकी ग्लू वॉल की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होने वाली है अभी हम चलते हैं जल्दी से अपनी नेक्स्ट वाली अपडेट की तरफ जो कि आपको दिखने को मिलेगी भाई लोग आपको पता ही है ना कुछ भी चीज़ गेम में न्यू ऐड करता है पहले उनको करता है अपने क्लासिक मैच में इसी तरह से अपने क्लासिक मैच में गाइस प्राइवेट यूएवी छोड़े गए हैं मतलब डाले गए हैं इस तरह के आप उनको उठा सकते हो और एनिमी की पोजीशन पता कर सकते हो ठीक है मैंने आपको बता दिया गाइस प्राइवेट यूएवी ड्रोन जो भी बोलो आप मैंने इसे पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है अगर आपको और जानना है इसके बारे में तो उस वीडियो को जाके देख लेना एंड साथ में गाइस आपको मैप में दिखेगा नो सिग्नल एरिया जिस तरह से दिख रहा है ना अभी भाई लोग आपको नो सिग्नल एरिया की यूजेस ढूंढने पड़ेंगे मतलब इसमें ऐसा क्या होगा जितना मेरे को उस दिन दिन समझ में आया था था गाइस पहले दिन मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था। ऐसे 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 होगा इसमें इसमें अभी उपर, आप ऊपर क्या नई चीज और ढूंढ पाते हो गाइस ठीक है तो क्लासिक में खेल के देखना आपको मिलता है या नहीं अभी भाई लोग हम चलते हैं नेक्स्ट वाली अपडेट की तरफ से वो भी निकल के आ रही है गाइस अपने क्लासिक मैप में ही आपको एक ऑटो रिवाइव का सिस्टम मिल जाएगा हर्ट दिख के हर्ट दिखेगा आपको मैप पे उसको मैं आपको शो नहीं कर सकता लेकिन एक हर्ट टाइप की चीज दिखेगी आप उस पर क्लिक करोगे तो मरने के बाद आप हो सकते हो बट वो क्लासिक में ही है ठीक है और ये बहुत अलग सी चीज है तो शायद इसको करे ना रैंक में डाले बट क्लासिक में आपको दिखने वाला है कुछ इस तरह से और भाई लोग मैंने आपको कल ही बता दिया था आपको में एक मिस्ट्री बॉक्स नाम की चीज देख सकती है एडवांस में दिखी थी जिसको आप हजार रुपये परचेज करोगे मतलब कॉइन्स में तो आपको बहुत सारी नई गन्स मिल सकती है जो कि आपकी क्लेश स्क्वाड में ही नहीं होंगी ठीक है तो आप इसको यूज कर लेना जहाँ तक ये भी क्लासिक क्लेश में आएगा पहले और फाइनली एम पी फोर्टी और एम पी फाइव लौट रही है क्लेश स्क्वाड में नाइनटी नाइन परसेंट कन्फर्म हो गया है कि वापस आ जाएगी क्योंकि आपको एडवांस रवर में देखने को मिली थी और एक और चीज नोटिस की जाए इसमें एडवांस रनवर में जैसे अपना मैच लग रहा है कालाहारी में तो कालाहारी में अलग गन के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं मतलब अलग अलग गन खरीद पा रहे हो और आता है वही बरमुडा में तो अलग गन खरीद पा रहे हो मतलब समझ रहे हो ये बहुत यूनिक सी चीज़ है जो कि नोटिस की मैंने देखना पड़ेगा क्या ये सच में ऐसे ही होता है और क्या एक और चीज़ फाइनली बताना चाहूँगा फार्मर्स फार्मर्स का न्यू अटैचमेंट आ रहा है ठीक है जिससे फार्मास ओपी होने वाली है उसका गेम प्ले शायद ही मैं डालू शाम को या कभी क्योंकि गेम प्ले था मेरे पे लेकिन डाला नहीं देखूंगा गाइस आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको न्यू फार्मास प्ले देखना है या नहीं मैंने आपको गाइस अभी सारी चीज़ बता दी है कुछ रह गई हो तो मुझे माफ़ करना मैंने ट्राई किया गाइस सब कुछ मैं बता दूं छोटी मोटी चीज़ रह गई होंगी उनको आप इग्नोर कर देना दिख जाएंगी आपको गेम में चलो गाइस इसी बात में सभी लोग एक लाइक करेंगे भाई लोग वेट आप कर ही रहे हो मैं भी वेट कर रहा हूँ हैप्पी बोरिंग डे फिर से सब्सक्राइब कर लेना गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो यहाँ तक देख ले तो प्लीज मेरे भाई लोग सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना और गाइज इंस्टाग्राम के लिंक है डिस्क्रिप्शन में अगर आप बोर हो रहे हैं कुछ आप पे आइडिया है आज के दिन में तो मेरे को आप टैग कर देना एक बार फिर से गाइस मैं आपको बता देता हूँ ये सारी अपडेट आपको एक साथ गेम में नहीं दिखेंगी आपको कुछ कुछ टाइम डिफरेंस में दिखेंगी अगले दो महीने में सारी अपडेट आपके सामने आ जाएंगे जैसे हर बार होता है ओवी ट्वेंटी सिक्स अपडेट है चलिए गाइज मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिले गाइस बाय टेक केयर